क्या बात है। तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता पाठशाला रेलवे एग्जाम में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ रेलवे एग्जाम स्पेशली ALP टेक्नीशियन, RRB JEE हो गया, ग्रुप डी हो गया, उनके लिए साइंस की क्लास देख रहे हैं, है ना। आप मेरे साथ डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली मैं आप लोग को 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। आज हमारा 18वां सेट है, मतलब आप ये मान के चलो ईमानदारी के साथ और बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैं आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको ऐसे 30 सेट दूंगा जिससे बाहर आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। आप ये मेरे साथ 30 सेट लगा लो, यानी ये टोटल 1200 क्वेश्चन लगा लीजिए, बस आपको विश्वास भरी साइंस के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी 1200 क्वेश्चन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज, हाँ, आज एक स्पेशल बात है बच्चों। आज मैंने क्या किया है कि आज मैंने अपनी क्लास में NCERT के जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं ना, बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल है, तो NCERT के वो लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा डाले हैं। राधा जो है सड़क के किनारे जा रही थी, उसने कुछ खा लिया, वो बीमार पड़ गई, ये जो लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं ना। तो आज आप थोड़ा सा सबर करके आंसर दीजिए ना, इसलिए मैंने ऐसा काम किया है क्योंकि NCERT भी पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डालता हूं। ये तीनों का मिक्सचर रहता है ये क्लास, ठीक है। चलो कुछ और बातें भी कर लेते हैं, फिर क्लास को शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं ध्यान रखिए, अगर आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन के बैचेस से जुड़ना चाह रहे हैं, तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और बच्चों, बैच को ज्वाइन करते समय डिस्काउंट पाने के लिए आप छोटा सा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, कैपिटल में लिखिएगा YOGI10। ये आपके सामने ये नंबर है। अच्छा, एक और बात है, जो भी मैं यहां क्लास लेता हूं वो ज्यादातर कंटेंट मैंने अपनी इन बुकों में डाल रखा है। आप अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स की बुक है, अगर आप बात करते हैं केमिस्ट्री की तो वो भी बुक आ चुकी है, बेसिक साइंस इन ड्राइंग जो कि आपके ALP के लिए, ये सारी की सारी बुक आपको मिल जाएगी। मेरे भाई, ये बुक हमारी बायलैंगुअल है, आप इन बुक को ले सकते हैं। और साथ साथ जो है बुक को ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर फोन कर रहे हैं। तो जो भी मैं यहां पर कंटेंट देता हूं वो सब कुछ जो है हमारी किताब में होता है। हरा, बहुत देर से बच्चा कमेंट कर रहा है, मैं उसके पहले कमेंट का रिप्लाई कर दूं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हरा, तो बच्चों एक काम किया करो, बहुत सारे बच्चे जो नए हुआ करे, जिनको नहीं पता होता कि PDF कहां मिलेगी, आप सब लोग उसको अपने दूसरे भाई को बता दिया करिए कि PDF इसकी कहां मिलेगी। आपको पता है कि इसकी PDF इस तरह से डबल कॉलम की PDF मिलती है, और ये केवल 40 क्वेश्चन ही नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन की डबल कॉलम की PDF मिलती है, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ, 10 क्वेश्चन GK और उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन जो है मैथ के होते हैं। टोटल मिला के ये देखिए 100 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट होता है। आज हमारा 17वां है, उसकी PDF अपलोड कल होगी, 16 तक की PDF अपलोड है ना। तो बंधु मेरे, सबको बता दिया करिए सब लोग। चलो आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, NCERT के डेटाबेस क्वेश्चन से उठाया गया सवाल, पढ़िए समझिए और जल्दी से मुझे उत्तर बताइए, इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाना चाहिए। सर बुक छपने में लगा है, बहुत जल्दी बुक आ जाएगी, हरा रोहित बहुत जल्दी आ जाएगी। साउंड कम है, नहीं भैया आज मुझे लग तो नहीं रहा साउंड कम है। अरा एक बार बता दो सब लोग बच्चों, साउंड कम है तो मैं बोल देता हूं, है ना। अगर एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए। चलो पहला सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, आप ये टेबल को बताइए और ए और बी के स्थान पे सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए। बच्चों ए और बी के स्थान पे बताना है कि सबसे उपयुक्त क्या होगा। अब पहले इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहां कैल्शियम है, यहां कमी से होने वाला रोड है, कमजोर हड्डियां दांत लिखे है लक्षण है, फिर यहां खनिज का नाम लिखा है और कमी से होने वाला रोड लिखा है और लक्षण लिखे। आपको यह बताना है कि इस ए की जगह पे क्या सबसे उचित हो सकता है और मेरे भाई इस बी की जगह पे सबसे उचित क्या हो सकता है, बोलिए। साउंड ओके? अच्छा ठीक है ठीक है। अरे उमंग देख लो, अपना मोबाइल देख लो। तो बच्चों एक बात मुझे बताइए, ए कैल्शियम के आगे है ना, और आपको पता है कि कैल्शियम से होने वाली जो बीमारी है, अरे कमी से होने वाला रोग, तो कैल्शियम से होने वाला रोग कौन सा हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस। हरा, तो बच्चों ए 101% ऑस्टियोपोरोसिस होगा, क्योंकि हड्डियों में होने वाली बीमारी जिसमें हड्डियों का खोखलापन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, बी खनिज का नाम है और आगे ढेडा रोड लिखा है, तो 101% बी जो है वो क्या होगा? आयोडीन। बी हमारा क्या होगा? तो कह देना बी हमारा होगा आयोडीन। आप मेरी बात एकदम समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो बताइए सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस और आयोडीन के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए।
चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए। मैंने बताया ना आज हम लोग थोड़ा सबर करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज मैंने ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी भी उठा लिए है। चलो बताइए आंसर जल्दी से दीजिए। अरे आप खुश फोन कर लेना, और मैंने बोल रखा है कि फोन आएगा तो आप डिस्काउंट दे देना, मैंने बोल दिया है। चलो बताइए अगला सवाल। बच्चों यहां पर देखो एक केमिकल स्ट्रक्चर दी रही है CH ट्रिपल बॉन्ड C और आगे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बोला जा रहा है इसका IUPAC नाम बताओ। मैंने एक बार नहीं 10-10 बार आपको बताया कि जब भी कभी डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो मेरे भाई डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है। बहुत सारे ट्रिपल बॉन्ड सोचते आंसर लगाते गलत हो जाएगा, डबल बॉन्ड को आपको वरीयता देनी है ना। तो सबसे पहले तो आप ये देखो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे, अच्छा पहले और दूसरे के बीच में। तो जब पहले और दूसरे के बीच में है तो जो छोटा नंबर होता है उसको नंबर देते हैं। तो एक और दो के बीच में है तो वन नंबर देंगे। हरा बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं वन ब्यूटीन। और बच्चों तीन नंबर पे देखिए क्या है, तो कहना तीन नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 3-ion। तो 1-butene 3-ion ये इसका आंसर होना चाहिए। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो ना, 1-butene, ये लिखा तो है 1-butene 3-ion 1-butene 3-ion। अब बच्चों अगर कुछ बच्चों ने यहां से उल्टी नंबर इन कर दी, यानी इसको पहला नंबर दे दिया ऐसे, तो वो लोग इसका आंसर पता क्या बताएंगे, वो लोग इसका आंसर बताएंगे but 1-ion 3-ion। गलत हो जा रहे उत्तर। नंबरिंग हमेशा ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एकदम बराबर नंबर पे हो तो हम लोग हमेशा डबल बॉन्ड रूप प्रेफरेंस देते हैं। इस बात को कहीं पर भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए। ये लो बताइए अगला क्वेश्चन दीजिए। हाँ बिल्कुल एकदम सही है। अरे मैं टीम को बोल देता हूं कि वो जल्दी से लिंक सेंड करते, मैं बोल देता हूं। चलो अगला सवाल बताइए, एक ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है। हरा बच्चों आप लोगों के सिद्धांत एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके सिद्धांत पे काम करता है। आपने चोट कॉइल का नाम सुना है जिसको आप बोलते हैं चोट कुंडली, तो चोट कॉइल काम करती है सेल्फ इंडक्शन पे। जबकि ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो याद रखना जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। बच्चों इन्वर्टर याद रखना, इन्वर्टर एक तरह का नॉट गेट होता है। यह भी DFCCIL में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्वर्टर कौन सा गेट होता है, कहते ना नॉट गेट होता है। अच्छा एक चीज आपको पता है, वो जो घंटी आती है, कौन सी घंटी, आपके घरों में बेल लगी होती है ना घंटी, वो किस सिद्धांत में काम करती है, तो कह देना घंटी काम करती है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ध्यान रखना घंटी काम करती है। जबकि आपने मोटर और जनरेटर का नाम सुना है तो बच्चों ध्यान रखना है जो मोटर और जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो कह देना मोटर और जनरेटर जो है वो धारा के इंडक्शन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रेरण, सर इसके प्रभाव पर काम करता है। तो हर एक चीज आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो फिलहाल ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही थी तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोबाइल में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों ध्यान रखना मोबाइल में, मोबाइल का जो चार्जर होता है, मोबाइल में नहीं है, तो मोबाइल का जो चार्जर होता है उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो कहना मोबाइल के चार्जर में बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है, स्टेप डाउन। क्योंकि आपके घरों में 220 वोल्ट आता है, मोबाइल की बैटरी 1.5 वोल्ट की होती है, वोल्टेज घटाना होता है इसलिए मोबाइल के चार्जर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलो अगला सवाल बताइए। सर सच में साउंड कम है। हाँ ऐसा बोलिए ना, सब लोग बोलिए तो साउंड कम है तो मैं बढ़वा देता हूं ना, आप परेशान मत होइए। हरा चलो 29 लोग बोलो साउंड कम है। चलो यह सवाल बताइए, यह सवाल बोला जा रहा है एक तार के गोलाकार लूप के सामने का फलक उत्तरी ध्रुव है। देखिए एक तार के गोलाकार लूप के सामने का फलक क्या है, सर उत्तरी ध्रुव है। और आगे बोला जा रहा है कि इस धारा में दिशा बताइए। अब यहां पर एक लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, पता क्या, देखो जब भी कभी देखने पर आपको क्लॉकवाइज नजर आए, अगर आपको धारा देखने पर क्लॉकवाइज नजर आए, देखिए क्लॉकवाइज, तो बच्चों अगर धारा क्लॉकवाइज नजर आती है तो ध्यान रखना वहां पर कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है। अगर क्लॉकवाइज धारा नजर आती है देखने पर तो साउथ पोल बनेगा है। और इसके साथ साथ अगर धारा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है, ये देखिए ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज की है,
तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है तो 101% बताइए वहां कौन सा पोल बनेगा, तो कहना मेरे भाई यहां पर नॉर्थ पोल बनेगा। तो कहीं पर भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, देखिए जैसे कि मैंने आपको ये सोलेनोइड बना के दिखाया है ना, और यहां से जब धारा बहेगी और यहां पर अगर धारा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो बच्चों यहां पर बन जाएगा एक साउथ पोल और यहां एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। तो बस आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि अगर साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज धारा, नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज धारा। अब प्रश्न देखिए क्या था, सवाल का ये आंसर था कि उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। सर उत्तरी ध्रुव है तो एंटी क्लॉकवाइज इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर सही। समझ में आ गया, एक बार बता दो सब लोग, क्लियर हो गया सबको, जल्दी बताइए सब कुछ क्लियर है। चलो ये वाले सवाल का आंसर दीजिए, सर एएलपी में 40 प्लस हो रहा है, सिलेक्शन होल्डर नहीं बचा, 40 प्लस में कुछ नहीं हो रहा इस बार एएलपी के सीबीटी 1 में, कम से कम जो है इस बार 50 प्लस लाना होगा 75 में से, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, बताइए इस सवाल का आंसर किसके साथ जाने वाला है, बहुत प्यारा सवाल। और कल मेरे आवाज स्लो है ना सर, सेटिंग चेंज की मुझे नहीं दी आज, लेकिन आवाज कम है तो ज्यादा कम है तो बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बच्चे कह रहे हैं रुटी में आवाज बढ़वा लेता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे सेटिंग है ये वाला पॉइंट, तो आप जितना इधर खिसका दोगे हल्का सा कर दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, चलो ठीक है हटा दिया, ठीक है और कम लगे तो आप और बढ़ा, ठीक है। चलो यहाँ सवाल देखिए क्या है, बोला जा रहा है नीचे दिए रत्नों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ध्यान से समझना। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, हरा ये देखिए जब आप बाएं से दाएं जाते हो या ऊपर से नीचे आते हो तो बच्चों ऊपर से नीचे आने पर रेडियस बढ़ती है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर रेडियस घटती है। बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या बढ़ती है बोल दिया, सर गलत हो गया, यह गलत है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यह एकदम सही है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो याद करो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यह हमारा बढ़ता है, यह बात एकदम सही है। तो सिर्फ और सिर्फ बताइए कौन वाला उत्तर सही है, तो कहना सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, उसके अलावा कुछ नहीं सही है, ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए लीजिए छठवां नंबर, सर आप प्लीज बोलिए एलपी का फॉर्म में एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। देखो मैं आपको पहले बता दूं और ये 101% ऐसा ही होगा, देखिए एलपी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, एलपी की बात कर रहा हूं, अब फिर साइको का एग्जाम होगा। बहुत सारे बच्चों को अभी डाउट होगा कि इनका एग्जाम सेंटर कहां जाएगा, तो बच्चों सीबीटी 1 का जो एग्जाम सेंटर जाता है वो हमेशा आपके होम टाउन जाता है। होम टाउन का मतलब ये हुआ कि जो आपने एड्रेस डाला है वहां जाएगा, अगर आप पटना से है तो पटना जाएगा, लेकिन सीबीटी 2 का सेंटर वो होगा जो आपने जोन चुना है, जोन मान लीजिए आपने सिकंदराबाद जोन चुना है तो वो जाएगा, और साइको, साइको का सेंटर भी आपका जोन होगा, और मेडिकल, मेडिकल का भी सेंटर वही होगा जो आपका कह सकते हो जोन है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसका सेंटर भी आपका वही होगा जो जोन है, बस सीबीटी 1 का सेंटर वो होगा जो आपका होम टाउन है ना। चलो नेक्स्ट आइए बच्चों, ये सवाल बोला जा रहा है कि स्मॉल ई बराबर, इन्होंने बोला है माइनस का एन और आगे लिखा है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, बोला ये जा रहा है कि माइनस चिन्ह क्या बताता है, हरा तो माइनस चिन्ह चमन जो है ना, कल वाला 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैंने उस वीडियो के उसमें कमेंट में डलवा दिया, मैं सही कर रहा था, बार बार आंसर गलत लग रहा था, ऑप्शन नंबर डी सही था 37 का, ठीक है। चलो तो बच्चों ये माइनस चिन्ह पता क्यों आता है, सर ये माइनस चिन्ह जो है इसलिए आता है क्योंकि उत्पन्न होने वाला वोल्टेज फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, यही तो है कि आने वाला वोल्टेज फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, समझ रहे बात को। अच्छा सर ये कहा किसने, सर ये लेंज के नियम में बोला दिया है, तो माइनस चिन्ह की व्याख्या ये बताइए कौन से नियम में है, लेंज के नियम में। बच्चों लेंज के नियम कई बार क्वेश्चन आता है कि लेंज का नियम सर किस पर आधारित होता है, तो कह देना ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल का हो सकता है कि इसका आंसर फैराडे का नियम दे रहे, मेरे भाई नियम फैराडे का है लेकिन माइनस चिन्ह कैसे आया, इसकी व्याख्या करने वाला नियम था लेंज का नियम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट लो, ठीक है बताइए अगला क्वेश्चन। मैंने अभी अभी बताया ना 40 नंबर में इस बार कुछ नहीं होगा, सीबीटी 1 में 75 में से कम इस बार 50 की उम्मीद कीजिए, ठीक है।
सर आवेश वाला चैट चार्ट बनाते, चार्ट कहां बनाते? मैं समझा नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा नया, है ना। चलो ये वाला सवाल पहले देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। बोला जा रहा है कि एक घर की मुख्य बिजली 2 एम्पियर फ्यूज के साथ माध्यम से जोड़ी जाती है। 2 एम्पियर का फ्यूज है। इस घर में सामान्य वोल्टेज, ये देखिए सामान्य वोल्टेज हरा पर 50 वॉट के कितने बल्ब प्रयोग किए जा सकते हैं? बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनिए। हाँ, नियम फैराडे का है, लेकिन सवाल नियम का नहीं था, सवाल था माइनस चिन्ह की व्याख्या किसने की, है ना। तो सुनिए बच्चों, ये बताओ सामान्य वोल्टेज होता क्या है? तो किसी भी घर का सामान्य वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। तो बोला ये है कि 220 वोल्ट पर अगर हम 2 एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं तो बताइए 50 वाट के कितने बल्ब प्रयोग किए जा सकते हैं मेरे भाई? तो सबसे पहला काम पता क्या करना होता है? सबसे पहला काम तो टोटल पावर निकालिए, टोटल कि भैया कितनी ज्यादा से ज्यादा पावर यूज कर सकते हो। तो 220 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, तो V इंटू I कर दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा पावर यूज की जा सकती है 440 वाट की। समझना ध्यान से, ज्यादा ज्यादा जब पावर कितनी यूज कर सकते हो? 440। अच्छा, एक बल्ब की पावर है 50 वॉट, तो नंबर ऑफ बल्ब तुमसे पूछे रहे, तो एक बल्ब यूज कर सकता है 50। समझना बात को, टोटल कितना यूज कर रहे हो? 440, टोटल 440। तो 50 वॉट है, तो बताइए ये कितनी बार जाएगा? 540, 8 समथिंग जाएगा ना, 8 समथिंग जाएगा ना। तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा कितने बल्ब यूज कर सकते हो? 8। धोते से तुमने 9 बल्ब यूज कर दिए, खेल खत्म, फ्यूज फेल हो जाएगा। अरे तो ये जो पूर्णांक वाली संख्या होती है, यही तो बताएगा ना। तो इसका आंसर जो है 8 वाला उत्तर जाएगा कि मैक्सिमम आप 8 बल्ब यूज कर सकते हो। बहुत प्यारा सवाल होते इस तरह के। नेक्स्ट आइए, ये लो 8वां नंबर सवाल। मैंने कहा ना, आज हमने एनसीईआरटी के ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। निलय कह रहा है 250 वोल्ट एसी सप्लाई नहीं होता। नहीं भैया, एसी सप्लाई जो आपके घरों में आती है ना, घरों में आने वाली एसी सप्लाई, वो होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, है ना। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की यही वो सप्लाई है जो आपके घरों में आती है, 250 वोल्ट की नहीं आती है। चलो ये वाला सवाल होता है, बहुत ध्यान से सुनना। विटामिन के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए रहे और बोला जा रहा है, बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले है विटामिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे जीवन के लिए विटामिन की अल्प मात्रा चाहिए। पानी में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकते हैं। आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप ये कहना कि सर देखो, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते? तो कहना पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। आपको पता है ये बी और सी विटामिन ऐसे विटामिन होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे खाते। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे बहाते, यूरिन की सहायता से यही दो विटामिन है जो बाहर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, समझा। तो ये वो विटामिन होते हैं जिसको कभी बॉडी हमारी स्टोर करती नहीं है, नहीं स्टोर करती, बहा देती है। लेकिन सवाल में लिखा था पानी में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकते, गलत हो गया, नहीं संग्रहित हो सकते। अच्छा, पहला देखिए बच्चों, सवाल लिखा है विटामिन जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक, ये एकदम सही है। बच्चों विटामिन और मिनरल्स में एक ही अंतर होता है, विटामिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि मिनरल कैसे होते हैं, तो कहना मिनरल जो होते हैं बच्चों वो होते हैं इनऑर्गेनिक। हरा, अरे हमारे जीवन के लिए विटामिन की अल्प मात्रा आवश्यक होती है, एकदम सही। बच्चों आपको मैं बता दूं, विटामिन ना माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं, बहुत कम मात्रा में खाते हो, मिलीग्राम में विटामिन खाते हो, आपको पता है। तो इसकी टर्म मात्रा, इसकी अल्प मात्रा जरूरी होती है, इसलिए विटामिन खाने पर कोई ऊर्जा नहीं मिलती, फिर भी ये जरूरी होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर ये वाला उत्तर सही है, ये वाला उत्तर सही है, ये वाला उत्तर सही नहीं। तो आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर, ए और बी। समझ में आ रहे ना भैया? देखो आज थोड़ा सा मजा आने वाला है, ध्यान से सुन लो, बहुत बढ़िया सवाल आज मैं लाया हूं। सारे के सारे एनसीईआरटी जितने ऐसे सवाल थे सब उठा लाया हूं। नेक्स्ट आइए, चलो अब ये वाला सवाल देखिए। हाँ बिल्कुल, ए और बी, इसका आंसर देते रहिए जरा, है ना। इतना प्यारा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, देखो मजा नहीं आ रही है इसे यार। थोड़ा एक बार पहले सेशन को शेयर कर दो सब लोग, और जरूर अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक भी कर दो पहले। इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि फटाफट जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और बताइए सवाल का सही उत्तर क्या है। आपके शहर में बिजली की लागत 40 पैसे
प्रति किलोवाट आवर है, तो बताइए आप किसका भुगतान कर रहे हैं। है। तो बच्चों आप ना पैसा जो दे रहे हैं ना वो एक्चुअली में दे रहे हैं किलोवाट आवर का, ठीक है। और आप लोगों को कईयों बार मैंने बताया है कि किलोवाट आवर जो है वो 3600 किलो जूल होता है, होता है। तो आप किसका भुगतान कर रहे हैं? देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं डी, डी कौन दे रहा है? अरे चमन सिंह आप गलती कर रहे हैं, आकाश तुम भी गलती कर रहे हो। तो बच्चों पावर का भुगतान नहीं कर रहे हैं आप, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर का मतलब होता है जूल में। तो आप एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भुगतान कर रहे हैं। आप किसका भुगतान कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा का भुगतान कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बेहतरीन सवाल था, नेक्स्ट आइए। हाँ बिल्कुल एकदम आशीष सही है। आशीष तुम फिर से कमेंट कर रहे हो यार, तुम्हें तो ब्लॉक कर दिया गया था भाई, कहां से आ रहे हो तुम? क्या बात है बताइए, इसका आंसर दीजिए। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए रहे हैं बच्चों, लाइन को विशेष करते देखिए, आप देखिए आयोडीन वाला टेस्ट कितनी बार पूछा गया है। तो बच्चों लास्ट वाली लाइन है कि आयोडीन का जो घोल है उसके परीक्षण करने के बाद कौन सा नीला काला रंग दे रहा है ना। बच्चों आपको मैं बता दूं, आयोडीन का जो घोल होता है ना वो थोड़ा सा ब्लू टाइप का होता है, लेकिन नीला काला बना देना ये तभी पॉसिबल होता है जब आयोडीन को, जब आयोडीन को किसके साथ मिलाते हैं? स्टार्च के साथ मिलाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी आयोडीन स्टार्च के साथ मिलता है तो कौन सा कलर देता है? नीला और काला। तो नीला और काला रंग का देने का मतलब है कि आयोडीन को अपने स्टार्च के साथ मिला है। अब आप ये बताओ स्टार्च कहां कहां होता है? तो कहना स्टार्च हमारा सर देखो आलू में पाया जाता है, ध्यान से सुनना, स्टार्च सर जितनी भी लुद्दीदार वाली चीजें होती सब में पाया जाता है। आलू हो गया, आलू के साथ आपने चावल का नाम सुना होगा उसमें पाया जाता है, तो इन दो जगह पे तो भर भर के स्टार्च होता है। तो उबले हुए मसले हुए आलू, बिल्कुल एकदम सही, ये रंग नीला दे रहा है ना। उबले और चबाए हुए चावल, बिल्कुल दे रहा। ब्रेड का टुकड़ा, बच्चों ब्रेड में भी स्टार्च होता है, लेकिन चीनी के ढोल और नारियल का तेल इन दोनों में स्टार्च नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ए बी सी के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मजा आ रही है। अब देखो जितने बच्चों ने इतना बढ़िया सवाल खुद से अटेम्प्ट किया और खुद से सही किया, भाई साहब उनको लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं उनका साइंस बढ़िया है। चलो आ जाइए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये वाला सवाल भी देखिए मेरे भाई, ये उन सवालों की कैटेगरी में आता है जिसे 99% लोग गलत करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन लोगों को लगता नहीं कि मैंने गलत किया। आप बात समझो, पेपर में एक सवाल गलत होगा लेकिन इनको लगता नहीं है कि ये गलत करके आया, ये वो सवाल है, ठीक है। सवाल देखिए, मीडिया के दिए गए युग में आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब साइन आई हरा, फिर आगे लिखा है अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, तो बताइए इसका अनुपात स्थिर होता है, और बताइए इस अनुपात को क्या बोलते, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर हम लोग क्या बोलते। तो बहुत सारे बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि आपका आंसर सिर्फ अपवर्तनांक लगा दिया तो गलत हो जाएगा, 101% ये अपवर्तनांक हमारा गलत है। अटोरे लो, हम तो बचपन से यही सर पढ़ते चले आ रहे हैं अपवर्तनांक है। बच्चों होता क्या है एक्चुअली में, साइन आई बटे साइन आर को हम लोग हमेशा 1μ2 कहते हैं, है अपवर्तनांक लेकिन एक्चुअल में वर्ड होता है 1μ2। सर 1μ2 का मतलब होता है जो चीज पहले होती है उसको बोला जाता है माध्यम 1 के सापेक्ष, क्या बोला जाएगा? माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, और बाद में 2 है तो बोला जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो सिर्फ अपवर्तनांक कह देना इसका मतलब है आपको अधूरा ज्ञान है, लेकिन 1μ2 बोलना डेट मींस माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बोलना, ये पूरा ज्ञान बताता है, ठीक है। बताइए तो क्या कहना चाहेंगे इसका आंसर? सर इसका आंसर होगा माध्यम, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, और ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जाते देख लीजिए, मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, रेस्ट आइए, ये लीजिए।
ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। आपने दो साल पहले साइंस पढ़ता था, बहुत बढ़िया क्लास, धन्यवाद धन्यवाद नीलेश, वेरी गुड। चलो हाँ, स्नेल का नियम है, ठीक है, लेकिन सवाल का आंसर क्या है ये भी तो बताइए ना। अब ये बारहवां नंबर सवाल देखिए, ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है। बारहवें नंबर सवाल में बोला जा रहा है, एक गोली दर्पण अपने सामने किसी वस्तु का वास्तविक छवि बनाता है। अरे ये देखिए, वास्तविक छवि बनाता है। आपको पता वास्तविक यानी रियल इमेज कौन बनाता है? दर्पण की बात हो रही, दर्पण की, तो कहना दर्पण में रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही मिरर बनाता है, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। बताइए उसको हम किस नाम से जानेंगे? सर उसको बोला जा रहा है कॉनकेव मिरर। तो इसका आंसर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण तो नहीं होना चाहिए, समझना। सर इन्होंने एक चीज और दे दी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दे दी। बाद में वस्तु है, वस्तु की दूरी -20 और प्रतिबिंब की दूरी 30। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है ना। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि इमेज दर्पण के सामने बन रही है। तो बताइए यहां से फोकल लेंथ कितनी आएगी? तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक बार मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, बस ये होता है। धन्यवाद धन्यवाद मयूर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, आंसर सी दे रहे हैं, पट्टा 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 है कि लटड़ी कर दिया आपने, है बताइए। तो बच्चों वी का मान इसी तरह से वैल्यू पुट कर दीजिए, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा 60 का। बच्चों 60, 30 दूनी 60 और 20 थी 60, तो आंसर जो आने वाला है वो बताइए कितना आ जाएगा? सर माइनस का, और मेरे भाई ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर, माइनस 12 सेंटीमीटर आएगा। अब जितने बच्चे सी दे रहे थे वो कहां गए सी देने वाले, बताइए सी टर्न देने वाले? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सी देने वाले बच्चे ये थे जिन्होंने 1/20 -1/30 दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि सर ये लो 60 आ गया। अरे हद है यार, वहां लिखा वास्तविक, और याद करो अवतल दर्पण में, सर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो कहना अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने हैं, जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने तब वास्तविक होता है। अभी भी आंसर गड़बड़ है, गड़बड़ है, मैं पहले बता दूं, ये सब एनसीईआरटी के सवाल है। सवाल में माइनस 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहे 12 सेंटीमीटर तो नहीं है ये 120। अरे भैया 12 सेंटीमीटर को हम लोग फिजिक्स की भाषा में 120 mm भी तो बोल सकते हैं। अभी आए बच्चे कह रहे थे गलत नहीं, आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, देख लो। मैंने नहीं ये सब खेल किया है, मैं पहले बता दूं सब किताब में है। 12 सेंटीमीटर को 120 mm कह सकते हैं। सवाल मतलब बहुत आसान था, बहुत आसान था, आप देखिए खुद भी देखिए। इसलिए सवाल को सॉल्व करते समय बहुत बारीकियां ध्यान रखनी होती है। अब ये भी देखिए, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, बनाने वाले ने भी बहुत अच्छा बनाया। राशियों और उनके मात्रक के सामने उचित मेल बताइए कि इनमें से उचित मेल क्या है। मतलब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा जो सामने मेल खाता है। अरा बहुत सारी चीजें दी रही, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है, कैपेसिटेंस दिया गया है, इंपल्स दिया गया, पावर दी रही, बताइए इनमें से क्या सही है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताओ, सर शक्ति का मात्रक क्या फैराड होता है? नहीं सर, फैराड होता है कैपेसिटेंस का। हरा मेरे भाई, आवेग, आवेग का मात्रक क्या न्यूटन पर सेकेंड होता है? गलत, आवेग इंपल्स का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। धारिता का मात्रक हेनरी होता है? नहीं, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर जरूर होता है। हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है उसका यूनिट क्या है? वेबर है। ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जा रहा है? ए वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट आइए। हाँ भाई, इसमें देखिए बताइए, इसमें मैं आपको दो चीजें याद कराऊंगा, पहले मैं बता दूं, और दो चीजें अगर आपको याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो आज के बाद भूलना नहीं। हाँ, कौन सी वो दो चीजें? सुनिए बच्चों, आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है कि 8 लीटर में बताइए कितना मीटर क्यूब होता है, और डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 8 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये दो बातें आप लोगों से मेरे भाई डायरेक्टली पूछी जाती हैं, और आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। साथ साथ एक और चीज पूछी जाएगी, 8 ml में, 8 ml में है ना सर, 8 ml में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, यह भी पूछा जाएगा।
ओके चलो सुनो बच्चों, ध्यान रखना जब 8 लीटर में मीटर क्यूब पूछा जाए तो 10 की पावर माइनस 3 बताइए, 8 लीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, 8 लीटर में 8 लीटर में 10 की पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब 1 ml की बात करते हैं, सिर्फ 8 ml की, तो याद रखना सिर्फ 8 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब ये डेटा आप लोग निकाल भी सकते हो, लेकिन विश्वास मानिए डायरेक्टली याद कर लीजिए कि 8 लीटर में 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, 8 लीटर में 10 की पावर प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब, 8 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न ये था कि 8 लीटर में कितना आयतन घेरेगा, और सारे आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब में दिए रहे, इसीलिए इस सवाल का जो सही आंसर जा रहा है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी उत्तर एकदम सही है, डी आंसर एकदम सही। ओके ए आंसर नहीं सही है, कुछ बच्चे अलोन ए दे रहे थे, ए कहां से सही है? आप चाहो तो निकाल के देख लो, बताइए आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, आप मुझे बताओ टार्ट्रिक अम्ल में से किसमें पाया जाता है? हरा टार्ट्रिक अम्ल, देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है खट्टे फलों में ही पाया जाता है, समझे ना, तो टार्ट्रिक अम्ल बोला जा रहा है कि बताइए टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, है ना। तो यहां नीम नहीं है, यहां नींबू होना चाहिए बच्चों। नींबू, नींबू में पाया जाता है हमेशा, ध्यान रखना सिट्रिक एसिड, नींबू में हमेशा होता है सिट्रिक। आंवला, मेरे भाई आंवले में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हरा। लेकिन अगर बात अंगूर की करते हैं, इमली की करते हैं, तो अंगूर, इमली, कच्चे आम, इन दोनों में ध्यान रखना पाया जाएगा हमारा टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। देखो बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, कच्चे आम में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है कि पका हुआ आम उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। तो पके हुए आम में मैलिक एसिड, कच्चे आम में टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक एसिड, है ना। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा सर? इसका आंसर जाएगा सी और डी वाला उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, ये बढ़िया सवाल है भैया, इसको भी मैंने कहा रहा, इसको भी 99% बच्चे सोचते हैं कि मैंने सही कर दिया और घर चले जाते खुश होके। लेकिन ये वो सवाल है जो आपको लगता तो सही है कि सही हो गया, लेकिन सही होता रहिए मेरे भाई, बताइए उत्तर। आशीष गुप्ता कह रहा है मैलिक एसिड, मैंने कहा ना मैलिक एसिड जो होता है वो पटे हुए फल में होता है, पटे हुए आम में होता है, कच्चे आम में नहीं होता, है ना। चलो नेक्स्ट है, छड़ के 200 का तापमान, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये छड़ हो रही है बच्चों, छड़ के 8 सिरे का तापमान जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे का -40 है, तो आप मुझे बताइए ऊष्मा कहां से कहां फ्लो करेगी। अब आप ये तो पता है ना, अब आपको ये पता है ना कि जब हम ये कहते हैं अरे पटे हुए आम में भी होता है, सेब में भी होता है, तो मैंने आपको ये कहा कि आपको ये बात तो पता है ना कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है, तो आप बताइए इन दोनों में से कौन सा। देखो मैंने कहा ना बहुत सारे बच्चे गलत करे, आ गया चमन सिंह का, सौरभ का, स्वाति का, सबका बी बी आंसर आ रहा, और बी वाले मार खा जाओगे बिल्कुल। हाइयर से लोअर, नीला एकदम सही बताया, आप बताओ ना -10 और -40 में कौन हाइयर है, तो सबने सबने -40 को हाइयर कह दिया। अरे मेरे भाई -10 और -40 में -10 जो है वो हॉट होगा और -40 जो है वो कोल्ड होगा, बताइए। तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर है, तो -10 से सर -10 से -40 का हीट का फ्लो होगा ना बच्चों, एक छोटी सी बात जो है आपके सवाल को उलट कर देती है, ठीक है। तो चीजें एकदम सही और दुरुस्त रखिए, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर, ये सब एनसीईआरटी में है, सब कुछ है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 17 नंबर, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, आंसर दीजिए। हाँ मैंने देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं है ना कि गलत हो गया सही हो गया, लेकिन आप देखिए कि क्या आप लोग सीख रहे हो, क्या बढ़िया कर रहे हो। जैसे कि यह सवाल बड़ा प्यारा है, ग्लाइकोजेनेसिस, पहले आप बताओ ग्लाइकोजेनेसिस होता क्या है। हरा बच्चों ध्यान रखना ये एक तरह का प्रोसेस है, होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत अधिक हो जाता है, आप खाते जाइए काम ना कीजिए, तो आपकी बॉडी में ढेर सारा ग्लूकोज हो जाएगा, तो वो सारा का सारा ग्लूकोज कहां पर जाके स्टोर हो जाता है, लीवर में, और किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो कहना ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है।
तो ग्लूकोज स्टार ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर होना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रोसेस कराता कौन है? तो रहना ये प्रोसेस जो है एक तरह का हार्मोन का आता है, और उसी हार्मोन का नाम बताइए क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन, अब इसी के बारे में बोला है कि कौन सा कथन सही है। ओके, पहला देखिए, गुर्दे में ग्लाइकोजन की अधिक मात्रा, गलत, गुर्दे में थोड़ी ना स्टोर होती है। शरीर एक्सेस ऑफ एनर्जी नॉर्मली स्टोर्ड इन द बॉडी, शरीर में समानता वसा के रूप में अतिरिक्त, वसा के रूप में गलत हो रहा है यार, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लीवर, वेरी गुड, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लीवर, और एंड मसल एज ग्लाइकोजन, ये सही है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर इन किडनी, ग्लूकोज की अधिक मात्रा किडनी में स्टोर होती है, नहीं बच्चों ये गलत है। तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा बताइए वो किसका आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब अंदर लैंग्वेज से भी क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट आइए, लीजिए इसका आंसर दीजिए। 18 नंबर बताइए क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक वाइक कर दीजिए सब लोग, मुझे लगता है कि अभी लाइक हम लोगों ने किया है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो फटाफट, ताकि हम लोग भी 200 प्लस हो जाए कम से कम। पौधे और जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलता है? हरा बच्चों, किस रूप में मिलता नहीं, किस रूप में संग्रहित होता है, संग्रहित का मतलब स्टोर होता है। तो बच्चों एक बात बताओ जरा, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में स्टोर करते हैं, और एनिमल किस में करते हैं? तो पहले प्लांट पूछा है ना, तो याद रखना प्लांट अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में स्टोर करते, जबकि एनिमल अपने भोजन को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एनिमल अपने भोजन को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन वाला आंसर था। ऑब्जर्व नंबर बी, ये कौन है? सेलुलोज कहां काम आता है? मेरे भाई प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, कई बार आपने सुना होगा प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनाई जाती है? वो बनाई जाती है सेलुलोज की। हरा देखो, आपने सी सी आंसर दिया, मार्क आ जाओ सी आंसर देने वाले। जब स्टोर की बात आती है तो स्टार्च के फॉर्म में और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, सबने सी सी दिया। फिर मतलब मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मेरी जबान थोड़ा रड़खड़ाने लगती है, लेकिन अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ। सोचता हूँ कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, है अपने यूट्यूब परिवार पे हूँ, तो कुछ नहीं निकल पाता मुंह से, इसलिए छोटी छोटी गलती मेरे सामने मत किया करिए। चलो सवाल दीजिए, बताइए। ये वाला उत्तर भी बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन दीजिए। मांसपेशियों के समुचित कार्य के लिए, सही मात्रा के लिए जिन खनिजों की आवश्यकता होती है आप उसका नाम बताइए, है ना। मिनरल्स दैट आर नीडेड इन द राइट अमाउंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल, मसल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बताइए हमारा जो है क्या जरूरी है। अरे बच्चों देखो, आयोडीन जो होता है, आयोडीन एक्चुअली में आयोडीन जो है आपका एक तरह की ग्लैंड थायराइड ग्रंथि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोरीन, ध्यान रखना है, फ्लोरीन जो है ना ये मेन आपके दांतों में ऊपरी परत बनाता है, ध्यान रखना, दांतों की ऊपरी परत ये फ्लोरीन की बनी होती है, प्रोटेक्ट करता है। कैल्शियम, कैल्शियम का मेन फंडा जो है वो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है। और बच्चों आयरन, कह देना आयरन की केमिस्ट्री हमारे ब्लड के साथ मैच करती है, ये सब बातें हैं ध्यान रखना। लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है ये ध्यान रखना, कह सकते हो हमारे किसके लिए होते हैं? ये मसल के लिए होते हैं। ओके, तो आप लोग कीवर्ड जरूर याद रखिएगा। तो फिलहाल इस सवाल का सही आंसर जाएगा सोडियम और पोटेशियम के साथ, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला उत्तर इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, क्या बात है, बी बी बी, सब लोग बी दे रहे थे, मार खाओगे। चलो अरे ये लीजिए, हाँ ये देखिए, ये रीना वाला सवाल आ गया, बड़ी अच्छी अच्छी लैंग्वेज लिखी होती है भाई, एनसीईआरटी की कभी उठा के देखिए क्वेश्चन है। ऐसे लिखा होता है कि एक परिवार था, उसमें एक लड़का था डुड्डू, और डुड्डू जो है स्कूल से कॉलेज जा रहा है, घर जा रहा था, रास्ते में फलाना फलाना हो गया, और बताइए क्या इसका रीजन रहा। ऐसे ही सवाल आते, मतलब जो डेली बेसिस की प्रॉब्लम होती है उसी पर आते। जैसे कि अला देखिए, रीना स्कूल के बाद रोजाना पास की सड़क के किनारे खुली दुकान से गोलगप्पे खाती है। मतलब रीना नाम की लड़की जो है सड़क के किनारे रोज क्या खा रही है? गोलगप्पे खा रही है। एक सप्ताह के बाद उसे तेजी से बुखार हो गया। एक सप्ताह के बाद क्या हो गया? बुखार हो गया। तो उपरोक्त घटना का सही कारण क्या है? उपरोक्त घटना का सही कारण बताइए क्या है? बताइए,
पहला है अनहाइजेनिक फूड, ये तो हो सकता है। अरे जब इन्होंने बोल दिया कि खुली दुकान में गोलगप्पे खा रही है, तो खुली दुकान का मतलब क्या हुआ? तो उसमें धूल मिट्टी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, है तो अनहाइजीनिक फूड ये हो सकता है। धूल और मक्खियों के संपर्क में आने वाला भोजन ये भी हो सकता है। बिना धुली हुई कच्ची सामग्री पॉसिबल है। लेकिन आगे लिखा लो इम्यूनिटी सिस्टम, गलत, ये गलत है। एनसीईआरटी ने इसको गलत माना है और ये गलत होना भी चाहिए। क्यों? एक बात मुझे बता दो, अगर रीना की इम्यूनिटी लो नहीं होती, रीना की इम्यूनिटी हाई होती, बहुत ज्यादा हाई होती, और बहुत ज्यादा हाई होती, फिर भी ये सारी की सारी कह सकते हो कारण होते, तो क्या वो बीमार नहीं पड़ती? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि हाई इम्यूनिटी वाला कभी बीमारी नहीं पड़ता है? नहीं सर, तो ये इसका करेक्ट कारण नहीं है मेरे भाई। इसका जो रीजन है वो केवल और केवल ए बी सी है। तो आंसर इसका जो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर जाएगा, ए बी सी के साथ। ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट टाइम। अगर आपको हाई इम्यूनिटी है तो इसका मतलब क्या आप बीमार नहीं पड़ोगे? खुले में कुछ भी खाओ। तो चलो सर मैं आपको बैक्टीरिया खिला देता हूं, कोविड 19 वाला, देखते बीमार पड़ते नहीं पड़ते। वायरस सॉरी बैक्टीरिया निकलाया है। सवाल देखिए, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें, मेटल्स के लिए बताना है और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। इतना ज्यादा रेड नहीं दिला, अच्छा ठीक है बताइए। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बिल्कुल एकदम सही, धातुएं जनरली कठोर होती है, और मर्करी, मर्करी धातु तो है लेकिन फिर भी ये कठोर नहीं है। आपको पता है मर्करी क्या है? तो कह देना मर्करी एक तरह का लिक्विड है, धातु है लेकिन धातु में लिक्विड है मेरे भाई। तो देखो लिखा है ना, मेटल्स आर जनरली हार्ड, सही है एकदम, लेकिन मर्करी इज हार्ड इन नेचर और नॉट पॉइजन, हार्ड इन नेचर गलत, मर्करी तो लिक्विड है, जब लिक्विड है तो हार्ड कैसे हो गई? अब मेरी बात समझो। अरे ये पारा यानी मर्करी यूजली इंटर ह्यूमन फूड चैन फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल, मेरे भाई 101% सही है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे कि मछली, अरे मैं जैसे कि मछली, जैसे कि हमारा कह सकते हो मछली हो गया, और भी एक दो एग्जाम्पल ले लीजिए ऑक्टोपस। अगर आप एक्वेटिक एनिमल को एज अ फूड लेते हो तो ध्यान रखना आपके पास वो सारी बीमारियां हो जाएंगी जो पानी से होने वाली है, जैसे कि है ना आपको पता है कि HG, उसके बाद लेड, इसके बाद आर्सेनिक, ये सब हमारा कह सकते हो पानी की वजह से बीमारियां फैलाता है भाई। HG की वजह से मिनी माटा जैसा बीमारी होता है, और मैं आपको बता दूं ये सारी की सारी बीमारियां, जैसे कि मिनी माटा हो रही, आर्सेनिक की वजह से जो बीमारी आती है बच्चों, ये सारी की सारी बीमारी जो है हमारे पास चाइना और जापान से ही आई है। है क्या कि चाइना और जापान वाले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्वेटिक फूड अंदर लेते हैं, और सबसे ज्यादा अगर एक्वेटिक फूड यानी मछली वगैरह खाएंगे तो ये जो मिनी माता वैसी बीमारी वहीं से आएंगी ना। तो सवाल लिखा हुआ था ना मर्करी यूजुअली इंटर ह्यूमन फूड चैन फ्रॉम एक्वेटिक एनिमल, यस ये सही है, ये एकदम सही है, हरा ये एकदम सही है मेरे बच्चों। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा जाएगा पहला और तीसरे के साथ, पहला और तीसरा इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट, 22 बराबर, ये भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए ना। हाँ बिल्कुल एकदम सही है, इसलिए तो बोला जनरली वो हार्ड होती है ना। बोला जा रहा है निम्नलिखित धातुओं के युग्मों में से सबसे हल्की धातु का नाम बताइए और सबसे भारी धातु का नाम बताइए। आपको ये पढ़ना है, समझना है, और मुझे बताइए कि इनमें से सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्या है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, यहां पर सबसे हल्की बात कर रहा है धातु में, है ना। तो कोई भी हाइड्रोजन आंसर नहीं दे रहा भैया, क्यों नहीं हाइड्रोजन दे रहा? क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं है, हाइड्रोजन एलिमेंट तत्व है, धातु नहीं है। सबसे हल्की धातु में ध्यान रखना, सबसे हल्का तत्व कहता तो हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की धातु लिथियम, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम। तो सबसे हल्की और सबसे भारी का जो आंसर जाएगा वो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर होगा, ठीक है। और कोई भी आंसर मत लगाइए ना। नेक्स्ट ये लो 23, ये भी बेहतरीन सवाल है, एक बार ध्यान से पढ़िए, मैं आपको थोड़ा समय भी दूंगा ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, फिर मुझे आंसर बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। पढ़िए जल्दी से। ओके चलो क्या बात है,
बोला ही जा रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए, है ऊपर दिए गए सही कथन की पहचान कीजिए। लिखा क्या है, पानी का बर्फ का जमना, पानी का बर्फ में जमना रासायनिक है, और ऐसी अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही बताइए, सही बताइए। वैसे एक बात मुझे बताइए, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हो तो मुझे एक बात समझ में आ रही कि पानी का बर्फ में जमना रासायनिक नहीं होता, पानी का बर्फ में जमना भौतिक होता है, भौतिक होता है। तो ये तो गलत है, पहला वाला गलत है। तो ए वाला आंसर और डी वाला आंसर तो भैया गलत हो गया, क्योंकि पहला गलत है। अच्छा, लास्ट वाला भी मुझे बड़ा अच्छा लगा है सुनने में। क्या सर, लास्ट वाला देखिए लिखा है, द चेंज इन शेप साइज स्टेट इज केमिकल, गलत। किसी के भी आकृति आकार में परिवर्तन करना, मैं अपने मोबाइल को तोड़ मरोड़ के इसको पिक्चर कर दूं तो क्या रासायनिक परिवर्तन हो रहा? नहीं, भौतिक। और इन्होंने बोला है रासायनिक गलत है सर। आगे रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल एकदम सही। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दो तो क्या बन गया? पानी, नया पदार्थ बन गया, सही है। आणविक संरचना के अंदर होने वाला हाँ ये सही है, अणुओं में की संरचना में जो चेंजमेंट आते हैं वो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। दूसरा और तीसरा हमारा सही है, जबकि पहला और चौथा हमारा गलत है। दूसरा और तीसरा हमारा सही है, देखो ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए। एक बच्चा बार बार कह रहा बोलिए प्लीज, क्या बोल रहा भैया? ठीक है चलो, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको पता है ना? नेक्स्ट आइए। हाँ, ये वाला सवाल भी देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। पहले आप एक बात सुन लीजिए ध्यान से, कईयों बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम लोग एक ग्लास में पानी ले लें, एक बार ही कईयों बार सर, एक ग्लास में हम पानी ले लें और इस पानी में चीनी को घोल दें, इस पानी में क्या बोल घोल दे? चीनी। तो बच्चों लिए गए पानी में अगर हम चीनी घोल दे तो बताइए इसके आयतन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखना, चीनी घोलने पर इसका आयतन कांस्टेंट रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। इसका जवाब सुनिए, होता क्या है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उन्हीं मॉलिक्यूल के बीच में चीनी के मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल के बीच में चीनी के मॉलिक्यूल एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब भी रभी किसी ग्लास में अगर चीनी ढूलते हैं तो ध्यान रखिएगा, ढूलने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, ढूलने से पहले नहीं। कुछ बच्चा कह रहा कि सर चीनी डालते तो पानी तो ऊपर आ जाता है, नहीं मैं ढूलने के बाद की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि जब आप चीनी डालोगे तो हो सकता है ऊपर चला जाए, लेकिन एक बार जब पूरी चीनी ढुल जाएगी तो वापस से यही लेवल पे आ जाएगा। समझे ना बात करो, ढूलने के बाद की बात कर रहा हूं, है ना। अब आ जाइए, बोला जा रहा है कि चीनी को पानी में ढोलने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सर ये एकदम सही है, चीनी के कण पानी के कणों के बीच खाली स्थान पे चले जाते हैं, यस ये बात भी एकदम सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों हमारे सही, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए कहानी भी बड़ी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, कभी मैं सुनाऊंगा अभी चीनी ढुलने की टानी, है ना। फिलहाल यह अलग क्वेश्चन देखिए, फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि 99% लोग इस सवाल का आंसर गलत देंगे और वो सोचेंगे कि मेरा आंसर सही है, लेकिन रेलवे के क्वेश्चन को गलत कर देगा 99% लोग। अब बताइए जरा क्या आंसर होना चाहिए, ध्यान से सवालो, सवाल क्या है? सल्फर एल्यूमिनियम और लोहा इनके गलनांक दे दिए गए, तो बताइए इनमें से कौन सा हमारा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? हैरान, क्या बोला जा रहा है कि सल्फर है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये तीनों धातुएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सल्फर अधातु है, एल्यूमिनियम और लोहा धातु है, इनके गलनांक दिए गए हैं 113 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्यूमिनियम पर दिया गया है 666 डिग्री सेंटीग्रेड और लोहा पर दिया गया है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। ये गलनांक है, गलनांक का मतलब ये है कि जैसे कि ये सब ठोस अवस्था में, ये सब ठोस अवस्था में है, तो बच्चों इसका अर्थ ये होगा कि 113 पे ये पिघलेगा, ये 666 पे, ये 1535 पे। ठीक है, ध्यान रखना सल्फर अधातु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो द्रव हो रहा या गैस हो रहा, अधातु ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है चलो, आप बताइए इसका आंसर। तो कहना ये कि भैया सल्फर जो है 113 पे पिघले रहा, एल्यूमिनियम 666 पे पिघले रहा, लोहा 1535 पे। पहला लिखा है ओनली Fe इज सॉलिड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड की बार बार बात हो रही है। तो बच्चा जब सिर्फ 200 की बात हो रही, सिर्फ 200 की बात हो रही, तो 200 एल्यूमिनियम तो 666 पे पिघले रहा ना, तो 200 में एल्यूमिनियम कैसा रहेगा? सॉलिड।
ये 1535 में पिट ले रहा, तो 200 पे ये भी सॉलिड रहेगा। लेकिन 200 पर ये सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर तो 113 पे पिटल रहा है, समझो बात को, सल्फर 113 पे पिटल रहा है। तो जब 113 पे पिटल जाएगा तो 200 पे सल्फर कैसा हो जाएगा, तो कह देना सल्फर हमारा हो जाएगा लिक्विड अवस्था में। बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है, देख लो है, वाह भाई वाह, बहुत तगड़ा ध्यान लगा रहे हो तुम लोग है। तो क्या आंसर जाएगा कि 200 पे अगर बात करते हैं तो एल्यूमिनियम भी ठोस रहेगा, लोहा भी ठोस रहेगा, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। समझे, लॉजिक क्लियर हुआ? अब जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि अगर मैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूं, कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताइए, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताइए सल्फर किस अवस्था में रहेगा, एल्यूमिनियम किस अवस्था पे रहेगा और लोहा किस अवस्था पे रहेगा। इन तीनों की अवस्थाएं अगर कोई आप लोग बता सको तो इसका मतलब आपको मेरी बात एकदम समझ में आ रही है। चलिए कमेंट करो, मैंने आपसे इस बार 800 पे पूछा कि बताओ जरा सर 800 पे क्या होगा, सल्फर क्या होगा, एल्यूमिनियम क्या होगा और लोहा किस अवस्था में होगा। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बता दो एक बार, ये सब एनसीईआरटी पे सवाल है। सर क्वेश्चन में ही आंसर था, क्वेश्चन में ही आंसर था, अरे वो तो हर क्वेश्चन में ही आंसर रहता भैया। अरे तो बताइए, तो बच्चों जब 800 पे जाएगा तो 113 पे तो पिघल जाएगा, 666 पे एल्यूमिनियम भी पिघल जाएगा, यानी सल्फर भी द्रव अवस्था में हो रहा है, एल्यूमिनियम भी द्रव अवस्था में हो रहा, और लोहा, लोहा 1535 पे पिघल रहा है, तो 800 पे सर ये ठोस अवस्था में हो रहा, ये ठोस अवस्था में हो रहा। ठीक है चलो नेक्स्ट चलो, ये देखिए रश्मि की मां वाला सवाल आ गया, बताइए जल्दी से पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ठीक है क्या बात है, लगभग सबका सही है, एकदम सही है। रश्मि की मां प्रेशर कुकर में दाल पका रही थी, ठीक है पटाने दीजिए, सब लोग मिलकर खाएंगे दाल बाटी चोखा। रश्मि ने नोटिस किया कि इसका हैंडल एक काले प्लास्टिक का बना है जो हीटिंग करने के बाद भी खड़ा हो सकता है, मतलब हीटिंग करने के बाद भी दोबारा बनाया जा सकता है। आगे लिखा हैंडल वाला बताइए किसका बनाया गया होगा, सल्फर कब गैस होगा। बच्चा सल्फर के गैस होने के लिए उसका एक और टेम्परेचर फिर दिया जाना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया जाएगा तब तक हम नहीं बता सकते गैस क्या हो, कब हो रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो टूटा का हैंडल होता है ना वो दो चीजों से मिलकर बनता है। अगर आपने सर अगर आपने फिनॉल की क्रिया, किसी फिनॉल की क्रिया करा दी मेरे बच्चों फॉर्मल्डिहाइड से, फिनॉल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराने पर ध्यान रखना क्या बनता है, बैकेलाइट बनता है, और इसी बैकेलाइट से हम लोग प्रेशर कुकर का हैंडल बनाते हैं। बच्चों ध्यान रखना बैकेलाइट दो तरह की क्वालिटी याद रखिए, एक तो ये नॉन कंडक्टर होता है, ये क्या होता है तो कह देना ये नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है और वैद्युत का भी होता है, ये नॉन कंडक्टर है। दूसरा ध्यान रखना ये एक तरह का थर्मोसेटिन प्लास्टिक होता है। अरे इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बैकेलाइट थर्मोसेटिन प्लास्टिक है कि थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिन है और नॉन कंडक्टर है ना, ऑप्शन बैकेलाइट। नेक्स्ट चलो 27 नंबर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी 2022 में, ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। स्विच तो ज्यादातर पीवीसी के बनाए जाते हैं, स्विच ज्यादा बैटेलाइट के नहीं बनते, वो मेन पीवीसी के बनाए जाते हैं, है ना। चलो सवाल देखिए, एक घर की मुख्य बिजली 20 एम्पियर फ्यूज से जोड़ी गई, देख लीजिए 20 एम्पियर के फ्यूज से जोड़ी गई है। जब इस घर पे 1500 वाट के हीटर का प्रयोग किया जाता है, 1500 वाट का हीटर और साथ में 100 वाट के कितने बल्ब जोड़े जाए, कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं, और आपूर्ति किया जाए वोल्टेज 220 है, मतलब दिया जाने वाला वोल्टेज भी 220 है और अप्लाई करने वाला भी 220 है। हाँ बिल्कुल गैस में बदलेगा लेकिन गैस में बदलने वाला टेम्परेचर नहीं दिया जाता ना वहां पर, तो हम लोग वहां पर बात केवल और केवल सॉलिड की और लिक्विड की कर सकते हैं, गैस की कर ही नहीं सकते। ठीक है तो बच्चों सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ घर का वोल्टेज चित्र है, घर का वोल्टेज है 220, अब फ्यूज कितने एम्पीयर लगाया है, सर फ्यूज लगाया है 20 एम्पीयर का, ध्यान से सुनना
है ना। तो आप मुझे बताओ टोटल पावर कितनी होगी। तो कहना वोल्टेज तुम्हारा अप्लाई है 220, फ्यूज लगा है 20 एम्पियर का, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 22 दूनी 44, 44 के आगे 20 और, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा पावर यूज कर सकते हो 1400 वाट ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो। लेकिन यूज कैसे करनी है, तो 4400 वाट को यूज करने के लिए इन्होंने ये कहा है कि हम 1500 वाट का एक हीटर लगा देंगे। तो चलो भैया 4400 में हमने 1500 वाट का एक हीटर लगा दिया, तो 100 वाट के कितने बल्ब लगाए, 100 वाट के, तो कह देते हैं चलो 100 वाट के मान लीजिए एक्स बल्ब लगा दे, कितने बल्ब लगा दे, या 100 वाट के एन बल्ब लगा दे, एन कितने बल्ब लगाए 100 वाट के, काम हो जाए। अब तो बता दो यार अब तो बता दो, लग जाए ना, कुछ नहीं है। तो कहना ये 1500 है और यहां से n निकालना है, तो n की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 2900 इधर आएगा और डिवाइड बाई 100, तो n की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी 29। ज्यादा से ज्यादा आप 29 बल्ब लगा सकते हो, 29 बल्ब, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट, चलो 28वां नंबर सवाल, ध्यान से पढ़िए 28वां नंबर सवाल, ये भी बढ़िया सही है क्या बात है, थोड़ा एक बार सेशन को और शेयर करो भाई, जल्दी से 200 प्लस भी हो जाए। अरे और ध्यान से लगाना भैया, 29 नंबर सवाल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्या बोला जा रहा है, एक जीव की पहचान कीजिए जिसमें ये विशेषताएं होंगी, मतलब आप उस जीव की पहचान करिए जिसमें ये विशेषताएं पाई जाती है। देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, देखने वाले लोग 170 है, लाइट अभी 134 ही पड़े, थोड़ा सेशन को लाइट वाइट कर दीजिए सब लोग। अरे ईमानदारी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी अपना काम ईमानदारी के साथ कीजिए, नहीं तो कल वो कहेंगे कि लगता है सर आपकी क्लास को बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, एक काम करो आप यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दो, कल वो कह सकते हैं मुझसे, मैं क्या जवाब दूंगा, आप सोचते देखिए, है ना। तो एक जीव की पहचान कीजिए जिसमें ये क्वालिटी है, मतलब एक तो वो यूनिसेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए, यूनिसेलुलर होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए, है ना। देखो फंगस में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, समझ लेना, प्लांट मेरे भाई प्लांट जो है ना वो यूकैरियोटिक भी है, प्रकाश संश्लेषण भी है, लेकिन प्लांट मल्टीसेलुलर होता है, प्लांट कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है। मोनेरा मेरे भाई, मोनेरा जो है ना वो यूकैरियोटिक नहीं है, मोनेरा क्या है, तो कहना मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक। आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहे ना, ओके। तो 101% इस्टा आंसर जो है प्रोटिस्टा होगा, हरा। प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, तो कह देना इसमें हमारे एलडी आते हैं और एलडी के साथ साथ हमारे प्रोटोजोआ आते हैं, यही सब तो प्रोटोजोआ इसमें आता है। तो बच्चों एलडी प्रोटोजोआ ये प्रोटिस्टा शब्द में आता है, और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, हरा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर टेस्ट के साथ जाएगा बी वाला उत्तर, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़िया सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बेहतरीन सवाल, और बताइए प्रकाश संश्लेषण की जो भी आपने गतिविधियां पढ़ रखी हैं, सर आप बहुत हैंडसम है, आई लाइक योर मेथड, धन्यवाद धन्यवाद रीनटवाड़ी धन्यवाद। चलो यार क्वेश्चन आंसर दिए जाए, है ना। देखो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन एक्चुअली में प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन जब बनता है तो किस लेवल का बनता है और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे कि इन्होंने बोला है कि आप ये स्टेटमेंट पढ़िए सर और आप मुझे बताइए कि सही कथन क्या है, आपको सही बताना। पहला देखिए, प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फोटोसिंथेसिस, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रहते हैं, रह सकते, ये क्या बात सही है बताइए, कहना 101% सही है। एग्जाम्पल के तौर पर रात है, बताइए क्या रात में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहना नहीं होता, फिर भी प्लांट जीवित रहते ही नहीं रहते। अगर तुम्हें भी दो दिन तक भोजन नहीं दिया जाए तो तुम भी जीवित रहोगे, मर नहीं जाओगे, तो वैसे पौधे भी है, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा जैसे कि रात तो भी वो जीवित रह सकते हैं, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट, पौधे बिना श्वसन के भी कुछ समय तक जीवित रह सकते, नहीं ये गलत है। बच्चों रेस्पिरेशन चाहे वो एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो वो जीवित नहीं रह सकते, वो होना ही होना है रेस्पिरेशन, मैं पहले बता दूं। अगर आपके भी 5 मिनट लिए नाक मुंह सब बंद कर लिया जाए तो आप मर जाओगे, सेम चीज प्लांट के साथ भी है। अरे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों पौधे के अस्तित्व के लिए जरूरी है, हाँ ये एकदम सही,
प्रकाश संश्लेषण भोजन बनाएगा और शोषण जो है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक है, दिन के समय पौधे में प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों एक साथ होता है, ये एकदम सही है। बच्चों दिन के समय में ध्यान रखना, धूप होती है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन रात के समय में ध्यान रखना सिर्फ शोषण होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, है ना। तो बच्चों इस सवाल का जो मुझे आंसर समझ में आया, बी वाला आंसर आपका गलत है, बाकी ए सी डी ये तीनों हमारे सही हैं, ए सी डी ये तीनों हमारे सही हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आइए, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, है ना। सर इन क्लास का पीडीएफ दे रहे हैं क्या? नहीं। अरे मेरे भाई इन सब का क्लास का पीडीएफ ऐसे डबल कॉलम में दिया जाता है ऐसे, अब वो भी पूरे 100 क्वेश्चन का, है ना। पीडीएफ के लिए आप लोग को मैं बोल देता हूं, टेलीग्राम चैनल जो है भेज देगा, ठीक है। आशु टेलीग्राम चैनल डाल दो जल्दी से। चलो बताइए, निम्नलिखित में 100 पोसी का बताइए। हरा तीन चीजें आपको पता है नहीं पता, देखो तीन चीजें आपको रटी होनी चाहिए। एक तो 100 पोसी जिसको आप बोलते हैं ऑटोट्रॉप, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। एक होता है मृत पोसी का मतलब ये होता है कि जो दूसरों पर डिपेंड करे, और एक होता है मृत पोसी स्वपोसी, और एक होता है सहजीवी, एक होता है सहजीवी। बोलो ये तीनों के तीनों नाम जो है आपको याद नहीं आते। एक परपोसी भी होता है, एक होता है परपोसी। इन तीनों के एग्जाम्पल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। बच्चों स्वपोषी वो होता है जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे ध्यान रखना वो हमारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। समझो सहजीवी वो पौधे होते हैं जो आपस में रहकर एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, जैसे कि लाइकेन ध्यान रखना वो हमारा सहजीवी होता है। मृतपोषी, मेरे भाई मृतपोषी वो होते हैं जो छोटे मोटे कह सकते हो मरे हुए जीव या मरे हुए पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि फंडई, ये हमारे कह सकते हो मृतपोषी होते हैं, ठीक है फंडई। परपोषी, सर परपोषी जो होता है वो पौधा होता है जो दूसरों के अंदर का खून चूसकर खुद को जिंदा रहता है, अरे परपोषी। परपोषी में आपकी अमर बेल आती है, और अमर बेल को ही हम कुशकुटा के नाम से भी जानते हैं। अमर बेल को ही क्या बोलते हैं, कुशकुटा के नाम से जानते हैं। तो ये चार बातें अपनी कॉपी में कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। चलो आप सवाल देखिए, बोला है इनमें से कौन स्वपोषी का समूह है, मशरूम तो नहीं हो सकता, ये एक कवक है, कवट मृत कोशी होता है तो यह स्वपोषी नहीं हो सकता। कुशकुटा, मैं आपको बता दूं जो कुशकुटा होती है उसको आप अमर बेल भी कहते हो, एक्चुअली में ये एक बेल होती है जिस पौधे में लिपट जाती है, वो पौधा तो सूख जाता है लेकिन साथ साथ जो है ये बेल जिंदा रहती है, अमर बेल के नाम से जानते हैं इसको, है ना। और कई बार इसको हम लोग कुशकुटा को धारकना इसी को हम लोग अमर बेल भी कहते हैं, जिस पौधे में लिपट जाएगी वो पौधा सूख गया लेकिन ये जिंदा रहेगी। बच्चों कई बार इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं बेहया प्लांट, बेहया पौधा। बेहया का मतलब यह है कि इसको कोई शर्म नहीं है किसी से लिपटने में, है बेहया प्लांट भी इसको बोलते हैं। तो ये भी उत्तर नहीं हो रहा, कुशकुटा भी नहीं आंसर हो रहा, तो 101% इसका जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर, ठीक है। चलो अरे नेक्स्ट, चलो बताइए 31st नंबर पढ़िए जल्दी सर, बताइए सवाल का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। नीचे दिए गए शब्दों के संयोजन में एनिमल सेल के बारे में बताइए, इनमें से कौन हमारा एनिमल सेल है। बच्चों जब आपसे ये बोला जा रहा है कि भैया कौन एनिमल सेल है, तो एक काम करो प्लांट सेल बता दो, तो प्लांट सेल जो होंगे वो एनिमल सेल नहीं होंगे। जैसे कि प्लास्टिड जिसको आप बोलते हैं लवट, हरा तीन तरह के लवट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। कहां पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट जड़ों में पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट फूल और फल और उसमें पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट हरी पत्ती में पाया जाता है। तो ये प्लांट की प्रॉपर्टी है। सेल वॉल, मेरे भाई सेल वॉल भी प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, मैं पहले बता दूं। क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए सर क्लोरोप्लास्ट भी हमारा प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। तो इसका आंसर बताइए इसके साथ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हमारे एनिमल में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सवाल। ओके 32 नंबर सवाल, ये भी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्रिज्म के क्वेश्चन नहीं आते,
तो अभी तक प्रिज्म के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन ध्यान रखना ग्रुप डी 2022 से प्रिज्म के क्वेश्चन पूछे जाने लगे, और ये न्यूमेरिकल आया था ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल है बहुत आसान, लेकिन आपको अभी नहीं आसान लगेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, लेकिन एक बार मैं बताऊंगा तो दोबारा कभी गलत नहीं करके आओगे, दोबारा सोचोगे कि यही वाला सवाल आ जाए पेपर में ताकि मैं कर लूं कोई और न कर पाए है। अब सुनिए जरा ध्यान से बच्चों, किसी प्रिज्म के लिए विचलन का मान आप पहले समझो, किसी प्रिज्म के विचलन का मान होता है डेल्टा बराबर प्रिज्म एंगल ए और आगे होता है म्यू माइनस वन। धारणा ये फॉर्मूला हम उस समय लगाते हैं जब किसी प्रिज्म से विचलन निकालना होता है डेल्टा बराबर ए प्रिज्म कोण होता है म्यू माइनस वन। ठीक है अब आगे आइए, ठीक है देखते कितना लोग का सही आंसर आता है, देखता हूं हरा सवाल देखे। एक पतला प्रिज्म जिसका प्रिज्म एंगल 4 डिग्री है, पहला प्रिज्म है उसके लिए प्रिज्म एंगल कितना डिग्री है 4 डिग्री। बच्चों पहले प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना बोला जा रहा है, सर पहले प्रिज्म का अपवर्तनांक है 1.54। ग्लास से बना है को अपवर्तनांक को सर को अपवर्तनांक। अब दूसरा एक प्रिज्म आ गया सर, दूसरे प्रिज्म का अपवर्तनांक इन्होंने दे रखा है 1.72 यह अपवर्तनांक कि अन्य पतले प्रिज्म के साथ जोड़ा जाता है P2 ताकि विचलन के बिना फैलाव हो सके, बिना विचलन के बिना डेविएशन के। तो बताइए P2 का प्रिज्म कोण कितना होना चाहिए, मतलब ये जो P2 का प्रिज्म कोण है पहले का A1 कह दीजिए, P2 का प्रिज्म कोण दूसरे वाले का प्रिज्म कोण A2 हमें निकालना है ये सवाल है। ओके अब सुनो बच्चों, जब हम लोग किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं तो विचलन होता है, लेकिन अगर हम बगल में ही एक ऐसा प्रिज्म रख दे जो उतना ही विचलन अपोजिट डायरेक्शन में कर दे जिससे कि विचलन हमारा जीरो हो जाए है। तो बच्चों होगा क्या कि एक का विचलन पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरे का नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेट विचलन जीरो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले का विचलन बराबर दूसरे का विचलन, दोनों का डेविएशन हम लोग बराबर कर देते, बस उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। अरा तो पहले के डेविएशन के लिए फॉर्मूला देखो क्या है, a के आगे म्यू माइनस वन है, तो a1 की जगह 4 डिग्री और बच्चों आगे म्यू माइनस वन तो 1.4 माइनस 1, तो 1.4 माइनस 1 कर दो। चलिए फिर डेल्टा 2, सर डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, सर ये a2 मुझे निकालना है और आगे हो जाएगा म्यू 2 माइनस 1, 1.72 माइनस 1। बताइए, अरे आप तो बता दो यार, अरे विवेक आप समझ में आ गया नहीं आया, बताओ जरा। चलो तो मेरे भाई ये बताओ जरा, ये 4 डिग्री आ जाएगा, ये 0.54 आ जाएगा, ये तुम्हारा a2 आ जाएगा और ये तुम्हारा 0.72 आ जाएगा। ठीक है इधर, ठीक है अब बताइए a2 कितना आ जाएगा। तो बच्चों यहां से सॉल्व करके देख लीजिए, a2 का मान 3 डिग्री आएगा, अटेम्प्ट करिए जल्दी से, 18 3 54, 18 6 72, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर इसका ऑब्जर्वर डी के साथ जाएगा 3 डिग्री के साथ जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़े नेक्स्ट टाइम, हाँ बता दूंगा बच्चा सेफ स्कूल के लिए वाला वीडियो भी बना दूंगा अजय मीना, बहुत जल्दी बन जाएगा वो उसका भी, क्या बात है। नेक्स्ट आइए अगला सवाल का आंसर दीजिए और बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में होते हैं, है ना बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, घरों में जो पंखे बल्ब टीवी लगी होती है ना, उनका मेन काम ये होता है कि अलग अलग स्विच से अलग अलग चीजें खुले, है ना, पंखे के लिए अलग स्विच होगा, टीवी के लिए अलग होगा, एसी के लिए अलग। जब स्विच अलग अलग होते हैं तो याद रखिएगा वो सारे के सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, इसलिए घरों में जो भी सप्लाई सेट की जाती है वो सब पैरेलल कनेक्शन में होती है। लेकिन अगर आपने ऐसा काम कर दिया एक ही स्विच से सारे बल्ब खुले हो और एक ही स्विच से सारे बल्ब बंद हो जाए, जैसे कि जो दिवाली में झालर लगाई जाती है उसमें देखिए एक स्विच ऑन कीजिए सारे बल्ब जल जाते हैं, सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, तो दिवाली की जो झालर होती है वो ध्यान रखना वो लगाई जाती है हमारी क्या सर, वो लगाई जाती है शरीर में। तो घरों के पंखे बल्ब उनके स्विच अलग अलग होते हैं और अलग अलग स्विच के लिए हमें समानता कनेक्शन ही लगाना होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर से। ठीक है ना, कोई बात नहीं विवेक, अभी क्लास के बाद फोन करना है ना, मैं उठा लूंगा तुरंत।
लेकिन क्लास के 5 मिनट बाद फोन करना है, थोड़ा पानी वानी पीना रहता है ना। चलो यहाँ सवाल होती है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, 34 नंबर, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे भाई सब लोग और कैदे में पढ़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, मतलब लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, ले एक बार समझ में आ रही तो मजा आ जाएगा। सवाल लिखा है, एक कमजोर एसेट, मतलब एक हमारे पास वीक एसेट है और दूसरा क्या है सर, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, समझो बात को, एक वीक एसेट है दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसेट स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप मुझे बताओ वीक एसेट स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा नेचर बनाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो 101% नेचर बनाएगा क्षारी, क्षारी बनाएगा। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, किस संकेतक का उपयोग करेंगे, तो एक तो क्षारी हो गया बच्चों, क्षारी के लिए पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो कह देना क्षारी के लिए पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा, बोलो बोलो 7 से ज्यादा। अब 7 से ज्यादा कहां है, तो 3 से 4.5 गलत, 5 से गलत, अरे 6 से 7.5 ये भी गलत है, समझो बात को सीधा सीधा देखिए, और फिनोफ्थलीन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन जो होता है वो क्षार में गुलाबी रंग देता है और इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, है? तो आंसर अब बराबर है, इसका जाएगा 80 वाला उत्तर सही। नेक्स्ट आइए अगला, क्या बात है, 35 नंबर, समझ आया ना, पिछला वाला सवाल भी बढ़िया था, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर क्या होगा, पूरे 40 क्वेश्चन है मेरे भाई। निम्नलिखित में किस अनुमापन के लिए पीएच वैल्यू 8 से अधिक है, बच्चों इन्होंने बोला है पीएच वैल्यू 8 से अधिक, वही बात फिर से है लेकिन पूछे जा रहे हैं तरीका बता अलग है, तो पीएच वैल्यू अगर 8 से अधिक है तो 101% नेचर कैसा होगा, क्षारी, नेचर अगर क्षारी लाना है तो वीट एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, बताइए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एसिड वीट, तो भैया बेस स्ट्रॉन्ग NH4OH नहीं है, हाँ NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होना चाहिए, वीट एसिड, तो बच्चों HCl ये क्या होता है सर, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यहां न्यूट्रल बनेगा, लेकिन ये क्या है सर, ये तो वीट एसिड है, ये वीट एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 101% यहां पर जो नेचर आएगा वो बेसिक आएगा, जिसको आप बोल सकते क्षारी आएगा, प्रबल क्षार है ना, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर होगा, ए सवाल का सही आंसर है, ठीक है चलो नेक्स्ट, हाँ 36 नंबर, बताइए उत्तर यही बेहतरीन सवाल है, सब एनसीईआरटी से उठाए गए सवाल है, बोला जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीट एसिड, बहुत बढ़िया सवाल है ना, लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या डिफरेंस होगा किसके बीच सर, किसके बीच, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीट एसिड के बीच बताइए क्या डिफरेंस है, ठीक है, पहला लिखा है हेलोजन आयन, नहीं भाई हेलोजन आयन कहां से आ गया आंसर में, क्या हेलोजन आयन आते हैं क्या, नहीं सर गलत है सर, ऋणात्मक और धनात्मक पीएच वैल्यू गलत, पीएच वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होता, पीएच वैल्यू तो 0 से हमेशा 14 के बीच होता है, पीएच वैल्यू 0 से 14 होता है, क्या कभी सुना है कि पीएच वैल्यू -7 आ रही, क्या सुना है कभी पीएच वैल्यू -3 आ रही, नहीं सर, अरे कंप्लीट एंड पार्शियल एनाइजेशन ये एकदम सही है बच्चों, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना वो पूरी तरह से घुलकर एचआयन देते हैं और ये पूरी तरह से नहीं घुलते, कम मात्रा में एचआयन देते हैं, ये कंप्लीटली एनाइज्ड होता है ये पार्शियली, है ना, तो ये उत्तर एकदम सही होगा, प्रोटॉन दान करना और इलेक्ट्रॉन स्वीकृत करना गलत, ये गलत है, क्योंकि जब जो लोग प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उसी बात को हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना भी बोल सकते हैं, उल्टा होता है, तो ये आंसर नहीं सही है, आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी उत्तर, सी आंसर एकदम सही है, नेक्स्ट ये लो 37 नंबर, सर आप 6 PM पे क्लास कर सकते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि पता है मेरा भी टाइम शेड्यूल अभी उतना नहीं जल्दी चेंज होगा, अरे लेकिन फिर भी मैं एक बार बात कर लूंगा, परेशान मत होइए और कोशिश कीजिए कि आप बाद में भी देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेट आपका कॉन्सेप्ट और सब चीजें क्लियर होना जरूरी है, हाँ नेक्स्ट आइए, ये लगाइए
निम्न कौन सा हैलोजन का सही उदाहरण है? तो जितने भी बच्चे एप्लीकेशन से बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं नंबर लिख देता हूं 6393-125-760। इसी तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी क्लास जरूर ज्वाइन कर सकते हैं माई पाठशाला एप्लीकेशन पे। तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे साइंस का हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड वन का हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का हो, ALP का हो, सारे बैच आपको मिल जाएंगे। डिस्काउंट के लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कैपिटल में लिखिएगा YOGI10। ठीक है, हमारी किताबें भी चलती है, मेरी एक फिजिक्स की किताब चलती है और एक केमिस्ट्री की चलती है, बेसिक साइंस इंजीनियर ड्राइंग की चलती है ना, वो सब किताबें भी आप इसी नंबर पर फोन करके ऑर्डर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन है? सुना नहीं सर? देखो बच्चों, ध्यान रखना, जब हम लोग हैलोजन की बात करते हैं तो हैलोजन में मेरे भाई फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, लास्ट में और एट आता है एटी। एटी तो बोलते हैं एस्टेटीन। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर एस्टेटीन के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही आंसर होगा। ये हमारा एक हैलोजन है, हैलोजन हमारे 17वें समूह के एलिमेंट होते हैं, तो 17वें समूह के एलिमेंट को हम लोग हैलोजन कहते हैं। बच्चों एक और बात सुन लो, 17वां समूह ही एक ऐसा समूह है जिसमें आप लोगों को गैस भी मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को लिक्विड भी मिल जाएगा और इसी में आपको ठोस भी मिल जाएगा, सॉलिड भी मिल जाएगा। तो पूछा जाए कि कौन सा एक ऐसा समूह है जिस पर जो है आपको तीनों अवस्थाएं मिल जाती है, वो तीनों अवस्थाएं मैंने लिख दी है। नेक्स्ट है अगला, चलो 38 नंबर बताइए, आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर किसके साथ जा रहे वाला है। अरे क्या बोला जा रहा है, तांबा जिंक को अपने घोल से विस्थापित नहीं करता। बहुत बढ़िया सवाल। अरे मान लीजिए मैंने कोई जिंक का घोल जैसे कि जिंक सल्फेट ले लिया, तो बोला है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस, कॉपर कभी जिंक को डिस्प्लेस नहीं करता, नो रिएक्शन। अब आगे लिखा है कारण बताओ, आठवीं कक्षा के छात्रों द्वारा इन्होंने ये कारण दिए, तो कौन सा कारण सही है? तो सुनिए फिर से, कॉपर कभी जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं करता, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है और जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा। तो कॉपर की कम होती, जिंक की ज्यादा होती है, यही रीजन है कि वो कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो डिस्प्लेस टू करेगा। तो पहला क्या लिखा है सर? पहला लिखा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव, नहीं कॉपर मोर रिएक्टिव गलत है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव ये सही है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव ये एकदम सही है। जिंक इज वन ऑफ द नोबल मेटल। बच्चों आपको पता है नोबल मेटल क्या होती है? सर नोबल मेटल्स वो मेटल्स होती हैं जो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, जैसे कि हमारा गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि प्लेटिनम, जैसे कि ऑस्मियम, ये हमारी नोबल मेटल है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करती है ना। अरे जिंक प्रतिक्रियाशीलता में जिंक तांबे के नीचे, जिंक तांबे के नीचे गलत, जिंक तो तांबे के ऊपर है, ये भी गलत है भैया, ये भी गलत है, नोबल मेटल जिंक को नोबल मेटल दे रहा है फिर। अच्छा हो तो गया, ठीक है, तो कौन सा सिर्फ दूसरा आंसर सही मिला, देख लो। ठीक है चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए अगला 39 नंबर बताइए, पढ़िए जल्दी से, आंसर जल्दी से दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताइए इनमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। अरा पहला लिखा है आवर्त सारणी में 15 कॉलम है, लो सर यही गलत हो गया सर, बाएं से दाएं जाने पर इससे पहले तत्व एक प्रोटोन और, अरे पहला गलत हो गया ना, बस अब कहां आगे बढ़ रहे हो सर, जब पहला गलत हो गया तो छोड़ दीजिए ना, पहला गलत हो गया तो छोड़ दीजिए, ए सही, बाकी हमारे टेस्ट तो सही होंगे, आप चेक कर लो चाहे कोई भी है ना। चलो ये वाला सवाल बताइए, आवर्त सारणी में एक और चीज पूछी जाती है, बताइए जरा इस सवाल का आंसर कितने लोगों को पता है ना। रीना तुम्हारी क्यों बार बार कमेंट कर रहे हो, आप सुनिए पहले बात को, आप अभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैंने जब टाइम चेंज होने वाले कुछ नहीं बोला तो क्या ही मतलब है ना। चलो नेक्स्ट आइए,
अरे मानसिन तुम भी हो? ए मानसिन तुम मुझे फोन करना यार, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मानसिन इलाहाबाद से तुम मुझे फोन करना अभी रात में 9 बजे के आसपास फोन करना, तुमसे बहुत जरूरी काम है। ठीक है चलो। बच्चे बोला जा रहा है एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंड पीरियड का मतलब हो गया कि दूसरे आवर्त का जो तत्व है सर, दूसरे आवर्त का तत्व जो है उसे क्या बोला जाता है? अरे तो दैट ना जो सेकेंड पीरियड दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं बच्चों, उन तत्वों को बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट। उनको क्या बोला जाता है? ब्रिज एलिमेंट। सर जी मैंने रसायन विज्ञान के अम्ल और क्षार की एक क्लास ली थी, उस क्लास से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, जब क्वेश्चन आते हैं तो उस क्लास से ही आता है। अरे धन्यवाद। अरे तो धारात्मक ब्रिज एलिमेंट जो है वो सेकेंड पीरियड के तत्व को बोलते हैं। बच्चों एक और आता है बॉर्डर एलिमेंट। बॉर्डर एलिमेंट आपको पता है बॉर्डर एलिमेंट क्या होते हैं? तो कहना बॉर्डर एलिमेंट जो तुम्हारी वो सात उपधातुएं होती है ना, तो सात उपधातु को हम लोग बॉर्डर एलिमेंट के नाम से जानते हैं ना। ट्रांजिशन एलिमेंट ये कहलाते हैं हम लारे डी ब्लॉट एलिमेंट। जितने डी ब्लॉट एलिमेंट है वो सब हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है तो बताइए इस सवाल का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी उत्तर सही। ठीक है बच्चों तो आज के हमारे 40 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हाँ ठीक है तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब आप कह रहे रिश्तेदार क्यों, तो शेयर कर दीजिए ना, उनको बोल दीजिए ना कि डुडू जी देख लो जरा कैसा पढ़ाते हैं। चलो इधर आइए बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं जितने भी बच्चे रेलवे स्पेशल किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर उनकी समस्या है साइंस, साइंस के साथ साथ आपको एप्लीकेशन पे सारे बैच मिलेंगे, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड वन हो, ग्रेड थर्ड हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके UD10 कूपन कोड लगा के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बहुत सारे बैच है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो मैं नंबर लिख देता हूं 9696102411, आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं। बच्चों इसके अलावा आप मेरी ये किताब ले लो, देखो है क्या ना जो मैं आपको अभी किताब दिखाने वाला हूं ना, ये वो किताब होगी जिसको एक बार पढ़ने के बाद आप दोबारा कभी उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपकी नसों में आपके खून में आ चुका होगा। अरे मानसिंह तुम बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे केमिस्ट्री किताब कब आएगी, अरे तो केमिस्ट्री किताब बच्चा आ चुकी है मानसिंह, ले लेना। ओके तो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बेसिक साइंस हो गया। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये दाम ज्यादा है, दाम ज्यादा नहीं है, सिर्फ अकेले फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स का आपको वीडियो कोर्स भी मिलता है जो कि लेक्चर के साथ ऐड है, तो आपको नोट्स भी नहीं बनाना और वीडियो कोर्स देखकर जो है आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो किताब के साथ मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन मैंने सारे डाल दिए इसमें, और ये जो केमिस्ट्री किताब आ रही है इस केमिस्ट्री किताब में भी वो सारे के सारे क्वेश्चन है जो ग्रुप डी 2022 में। ठीक है चलो फिर, तो किताब को अगर ऑर्डर करना है तो आप ये वाले नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके किताब ऑर्डर कर सकते हैं। रेलवे साइट सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद भाई। कोई और परेशानी कोई और दिक्कत आपको बताइए, मैं 2 मिनट आपके कमेंट रीड कर लेता हूं, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा कमेंट नहीं ले पाता हूं। ठीक है रीना कुमारी कह रहे आशीष गुप्ता एग्जाम के बाद मिलना तुझे, तेरी औकात दिखाता हूं, दिखाऊंगा क्यों बोला रीना कुमारी, आप तो लेडीज हो ना, मतलब दिखाऊंगा क्यों बोला, कोई बात नहीं। अरे बात भी ये सब बातें मत किया करिए है ना, कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा हूं, अरे ऐसे वर्डों का यूज मत किया करिए। चलो कोई बात नहीं मानसिंह अभी मुझे फोन करना, अभी नहीं करना 5 मिनट बाद करना है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।